जय हिंद। आइए जानते हैं सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं या क्या है या क्या होता है सुपर कंप्यूटर। तो स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर इज संजय में। तो सुपर कंप्यूटर एक बहुत तेज चलने वाला कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर एक महंगा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की बनावट जहां पर एक साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करना होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर एक बहुत तेज चलने वाला कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर एक महंगा कंप्यूटर है। अर्थात सुपर कंप्यूटर जो है वो एक बहुत तेज चलना सुपर कंप्यूटर चलने में बहुत तेज है और एक महंगा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की बनावट जहां पर एक साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करना होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक साथ बहुत से डाटा को प्रोसेस करना होता है। यानी बहुत डाटा को दूसरे कंप्यूटर में भेजना होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि आपके मौसम विभाग हैं, परमाणु ऊर्जा की खोज के लिए, मौसम विभाग की जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एक साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करना होता है। आज जहाँ पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करना होता है वहीं पर हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर चलने में बहुत तेज है लेकिन महंगा कंप्यूटर है। आइए अब जान लेते हैं जैसे में सुपर कंप्यूटर के क्या विशेषता है, क्या गुण है। तो सुपर कंप्यूटर परमाणु सुपर कंप्यूटर के मतलब जैसे में विशेषता क्या है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा की खोज के लिए तथा दूसरा है मौसम विभाग की जानकारी को पता लगाने के लिए किया जाता है।